एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि क्रिएशंस। और कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाली पुलाव की रेसिपी, जो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और आप इजीली उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और मैं इसे दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली पुलाव, जो बच्चे भी आराम से अपने टिफिन बॉक्स में ले जा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने दिया है तेजपत्ता, दालचीनी, कैरेट, अनियन बड़े पीसेस में, आधा कप पनीर के क्यूब्स, एक बोल मटर, और एक बोल में मैंने ये लिया है पालक की प्यूरी। और पालक को मैंने ब्लांच करके बॉईल करके इसमें टमाटर, एक छोटा साइज का टमाटर, एक हरी मिर्ची और दो से तीन गार्लिक को इसमें ऐड करके पीस लिया है। तो ये हमारी पालक की प्यूरी है, तो इसलिए इसमें टमाटर है, तो हम अलग से टमाटर नहीं डालेंगे, इसकी नीड नहीं है। अब मैं यहाँ सबसे पहले डालूंगी, और मैंने यहाँ दो बड़े चम्मच ऑयल लिया है और उसमें आधा चम्मच घी भी ऐड किया है साथ में, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी एक चम्मच जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, उसके बाद अनियन और मैं बासमती राइस को बना रही हूँ। मैंने राइस को पहले से पानी के अच्छे से साफ पानी में निकाल के और मैंने इसे सोक करके रख दिया था। तो ये है राइस। और जब हम पालक की प्यूरी जो हम पानी डालेंगे तो टोटल उस पानी में ये भी ऐड करेंगे, तो वो बैलेंस सही रहेगा। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। कैरेट, क्योंकि पालक में कलर उसका थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा चीज है इसलिए थोड़ी थोड़ी कलर को दिखेंगे। और इसमें बच्चे पालक बहुत जल्दी खा भी लेते हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, जैसे कि और जो हम राइस में डालेंगे वो थोड़ा बाद में डालेंगे, पर ये जो हम डाल रहे हैं इससे जो हमारी वेजीज हैं उसमें सॉल्ट हो जाएगा, इसलिए भी नहीं लेंगे। तो हमें इसे अटलीस्ट 1 to 2 मिनट के लिए कुक करना है। और अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, और मैं इसमें हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि ये ग्रीन बनने वाला है, बच्चों की रेसिपी भी होने वाली है, तो मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी डालूंगी और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। और अब मैं डालूंगी ये पालक, इसको हम 1-2 मिनट तक इसमें पकने देंगे, उसके बाद हम चावल डालेंगे। तो अभी ये घी चुका है, इनके साइड में ऑयल भी अच्छा है। अब मैं इसमें मैंने जो चावल सोक किए हैं वो ऐड करूंगी, सारे चावल। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच नमक और ऐसे हम एक तेल, और इसे हमें पानी अभी नहीं डालना है, एटलीस्ट 1 or 2 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद हम जैसे मैंने ये एक बड़ा ग्लास भर के राइस लिए हैं, तो मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि हाफ बोल हमारा पालक जो प्योरी थी
दो, तो इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर लूंगी। अब ये हो चुका है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी हाफ बोल और इससे एक अच्छा सा मिक्स देके इसमें एक सीटी लगाऊंगी इसमें और उसके बाद इसकी गैस निकल जाएगी। उसके बाद हम कुकर ओपन करेंगे और अब मैं चिकन बन और एक सीटी लगने तक उसका वेट करेंगे। तो गैस मैंने निकाल दी है और एक सीटी लग गई है। ग्रीन वाइट्स और ये थोड़े से ऐसे रहेंगे तो दिख रहे हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।